वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी स्वेटर जो हमने दो से तीन साल के बच्चे के लिए बनाया हुआ है बहुत ही सुंदर ये स्वेटर बनी हुई है आप भी बना लीजिए ऐसी तो स्वेटर पार्ट वन इसका अपलोड हो चुका है पार्ट टू भी अपलोड हो चुका है आज हम बना रहे इसका पार्ट थ्री जिसमें हम आपको बताएंगे इसका गला कैसे बनाया है हमने गले को बनाते वक्त जो लास्ट में मैं बताऊंगी सुई से कैसे बनाए बनाते हैं उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि गले को कैसे बना क्योंकि ये जो है डार्क कलर है इसमें थोड़ा सा गला सुई से बताने में थोड़ी सी मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी और देखने वालों को भी प्रॉब्लम होती इसलिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे से तो बता रखा है मैंने लेकिन थोड़ा फंदा समझने में उसमें टाइम लगेगा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ठीक है मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए ठीक है बहुत सारे व्यूअर्स थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमें नहीं मिल रहा है कहाँ पे है तो उनके लिए मैंने छोटी सी वीडियो इसी वीडियो के साथ लगा रखी है लास्ट में तो इस वीडियो को आप लास्ट में देखेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे होता है या मेरे चैनल पर आप कैसे जाएंगे आप एक बार मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक स्वेटर के जितने भी पार्ट होते हैं वो सिक्वेंस से लाइन वार करके एक ही साथ दिए हैं मैंने पहली बात दूसरी बात आपको इससे भी सुंदर सुंदर स्वेटर और देखने को मेरे चैनल पे मिल जाएगी ठीक है तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा जरूर लास्ट में जो क्लिप है उसको देखना बहुत जरूर है आपके लिए ठीक है तो बात करते हैं स्वेटर की ये स्वेटर हमारा पार्ट वन में इसका पैटर्न दे दिया है मैंने पैटर्न कैसे बनाना है पार्ट टू में हमने ये नीचे से बना रखा है तो कितने फंदे हमने दिए कितने बढ़ाए हैं आर्म होल की कटिंग कैसे की है या गले की कटिंग कैसे की है ये सारा हमने दिखाया हुआ है ठीक है इसके बाद पार्ट थ्री आज हम देखेंगे इसका गला बनाएंगे और इसके बाजू बनाएंगे ठीक है तो पार्ट थ्री में आपको गले की और बाजू की वीडियो मिलेगी ठीक है पार्ट फोर में हम बनाएंगे इसका फुल डिटेल्स की वीडियो मतलब कितनी ऊन इसमें लगी हुई है कौन से नीडल हमने यूज किए हुए हैं और आपको इससे छोटा या बड़ा बनाना है तो आपको कितना बड़ा बनाना है कैसे बनाना है कितने फंदे रखने हैं आप अपने बच्चे के स्वेटर के अकॉर्डिंग बनाइएगा लेकिन फंदे मैं बता दूंगी आपको किस उम्र के बच्चे को कितने फंदे लगेंगे जीरो से लेके पाँच साल तक के बच्चे का मैं बता दूंगी एक साथ फिर छः साल सात साल के बच्चे का फिर थोड़ा सा दूसरे टाइप से बनता है तो वो अब कभी मैं छः सात साल के बच्चे के लिए बनाऊँगी तो उसका दिखा दूँगी मैं आपको ठीक है वीडियो बाकी अब आज हम इसका गला बनाएंगे कैसे ये बनता है तो चलिए बनाते हैं वीडियो ठीक है तो देखिए आर्म होल की कटिंग के बाद यहाँ पे हमने बना दिया है दो इंच सवा दो इंच बना दिए ठीक है सवा दो इंच बना दिया और हमने दोनों ही पार्ट बराबर ही बना दिए ठीक है यहाँ से भी कटिंग कर ली है ये भी सवा दो इंच हो गया है और ये भी ठीक है तो हमारे दोनों ही फ्रंट पार्ट गले के लिए तैयार है गले की कटिंग के लिए ये हमारा टोटल कंप्लीट बैक पार्ट है जिसमें हमने आर माहौल की कटिंग के बाद कितना बना लिया था इसको देखिए सवा पाँच इंच ठीक है सवा पाँच इंच हो गया है ये और ये सवा दो इंच हो गया है तीन इंच रह गया हमारा तो तीन इंच जब रह जाए तो तब आप गले की कटिंग कीजिए या आप इस तरह से रख लीजिए ये देखिए यहाँ पे हमने बराबर रख लिए हैं और यहाँ से इसकी जो जगह है कटिंग करने की ये देखिए तीन सवा एक तीन इंच है ठीक है तीन सवा तीन इंच है तो ठीक है ये इसे ज़्यादा बनाएंगे तो गला एकदम ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पे हम गले की कटिंग शुरू करेंगे एक साइड की पहले शुरू कर लेते दूसरे साइड की भी मैं बता दूंगी ठीक है तो गले की कटिंग इसमें देखिए कितने फंदों की करनी है आठ फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह के डबल हो गए ट्वेंटी सिक्स छब्बीस और एक सत्ताईस सत्ताईस फंदों में हमने कम करने हैं फंदे कैसे करने हैं पहली बार हम तीन फंदे बंद करेंगे फिर दूसरी बार हम तीन तीन फंदे बंद करेंगे फिर दो फंदे बंद करेंगे फिर दो फंदे बंद करेंगे ठीक है यहाँ तक हम तीन तीन दो दो की कटिंग करेंगे अब देखिए आपको शोल्डर में फंदे रखने कितने बच्चे का स्वेटर है और फुल बाजू है और थोड़ा सा हमको चाहिए तो देखने यहाँ तक हमारे कितने फंदे होते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह फंदे रख लेते हैं ठीक है तो हमारे गले की कटिंग कितने फंदों की हो जाएगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह फंदों की कटिंग हो जाएगी हमारी और यहाँ पे आठ फंदों की है ठीक है बारह और आठ बीस फंदों की हमारी ये कटिंग हो जाएगी तो इनको तो हम कटिंग नहीं करेंगे बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये बाद में फिर उठाने पड़ते फंदे इसलिए इनको हम एक सेफ्टी पिन में ले लेंगे और तीन तीन दो दो एक, एक की कटिंग करते ठीक है आ गया समझ में तो देखिए किस तरह से करेंगे बॉर्डर बना लेते हैं पहले ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है यहाँ से हम धागा भी लगाएंगे और कट भी करेंगे वाइट कलर का धागा लगाएंगे दो फंदों का एक करेंगे दो फंदों का, फंदो का एक करेंगे और दो फंदों का एक यहाँ पे हमारे तीन फंदे बंद हो गए तो अब क्या करेंगे यहाँ से हम ब्लू कलर को भी ले लेंगे थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे ठीक है क्योंकि ब्लू कलर इधर जाएगा क्योंकि अब ये बॉर्डर हमको बनाना नहीं है इधर जाएगा तो ये फिर बाद में इधर आने में परेशानी हो जाएगी तो ब्लू कलर का धागा हमने इधर ले लिया बाक़ी हम वाइट से पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं तीन फंदे की कटिंग हो चुकी है हमारी तो कटिंग करनी है हमने तीन तीन दो दो एक, एक बोला है मैंने एक एक, एक भी कर सकते हैं तीन बार भी एक एक कर सकते हैं दो बार भी देख लेंगे कितने फंदे होते हैं ठीक है तो गले की कटिंग करना बहुत आसान है बस आपको समझना पड़ेगा बाकी फंदे उठाने में थोड़ी सी सेफ्टी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी अच्छे से फंदे उठेंगे तो अच्छा गला आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे हमने कटिंग शुरू कर दी है अब ये कलर यहाँ से वाइट दिख रहा है तो कोई बात नहीं जब हम फंदे उठाएंगे ना इसके बाहर से उठाएंगे इसे अंदर ले लेंगे ठीक है इस तरह से तो चलिए बैक रो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो की तरफ तो देखिए बैक रो में हमने ये ब्लू कलर ऊपर लिया था इसको और इधर ले लेंगे क्योंकि हमारा ब्लू कलर अभी उधर को जाएगा ये देखिए यहाँ तक हमने कटिंग की थी तीन फंदों की इनको नहीं बनाएंगे हम यहीं से वापस जाएंगे बैक रो कंप्लीट कर ली हमने और तीन फंदे की कटिंग कर ली है ठीक है तीन फंदे की फिर से करेंगे ठीक है धागा आगे ले, ले लेते और दो फंदों का एक और इस फंदे को इसी में लेके दो फंदों का एक और फिर से दो फंदों का एक अब ये तीन तीन की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई ठीक है ये रो कंप्लीट कर लेते सीधी भी और उल्टी भी दोनों रो कम्प्लीट कर लेते क्योंकि तीन तीन की कटिंग हो चुकी है तो देखिए ये ब्लू कलर का धागा मैं दबाते हुए यहाँ ले आई हूँ ये यहीं रह जाता अब हमारा ब्लू कलर लगेगा तो ये यहाँ से यहाँ आने में मुश्किल हो जाता इसलिए मैंने बोला आपसे कि यहाँ से इसको यहाँ दबाते हुए यहाँ ले आइए तो मैं ये ब्लू कलर का धागा इधर ले आई हूँ अब देखिए तीन तीन की कटिंग हो गई है अब दो दो की कटिंग रह गई है तो मैं वाइट से ही दो दो की कटिंग और कर लेती हूँ एक और दो ठीक है अब हम ब्लू कलर लगाएंगे लेकिन देख के लगाएंगे कि कहाँ पे हमको डिजाइन बनाना है यहाँ पे बनाना है तो इसको मैं ब्लू कर लूँगी और यहाँ पे बनेगा हमारा डिजाइन ये देखिए ठीक है ये हो गया वाइट धागे को भी हम थोड़ा टाइट कर लेंगे ये हो गया तीन तीन दो की कटिंग हो गई ये रो और बैक रो कंप्लीट करके वापस फ्रंट रो में आते हैं हमको पैटर्न जो ये डिज़ाइन है ये नीचे वाले को देख के बनाना है ठीक है ठीक जिस फंदे में हमने लूप लिया था उसी फंदे में हमको लूप लेना है ठीक है देखिए बैक रो में मैं ये धागा ना इधर ले लूँगी ऐसे क्योंकि ये आगे आएगा अभी ठीक है इसी तरह से हम धागों को दबाते हुए ले जाएंगे इससे पता नहीं चलता है तो यहाँ पे हमारी तीन तीन दो की कटिंग हो गई अब दो की कटिंग और कर लेते हैं ये देखिए दो की कटिंग कर ली एक और दो ठीक है अब धागा पीछे करेंगे वाइट वाले को दबा लेंगे और फ्रंट और बैक रो दोनों कंप्लीट करके वापस यहीं पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने तीन तीन दो दो की कटिंग कंप्लीट कर ली है ठीक है अब हमारे पास कितने की कटिंग रह गई है एक और एक की दो फंदों की कटिंग रह गई है तो कैसे करेंगे देखिए धागा आगे ले लेंगे और सिर्फ एक फंदा बंद करेंगे दो का एक ठीक है ये एक की कटिंग कंप्लीट हो गई हमारी और इसको हम सिंपल बना लेंगे तो चलिए फ्रंट और बैक दोनों रो कंप्लीट करके वापस आते हैं यहीं पे देखिए तीन तीन दो दो एक की कटिंग कंप्लीट हो गई है अब सिर्फ एक फंदा और बच गया हमारा ठीक है क्योंकि फिर यहाँ ज़्यादा फंदे अब नहीं करेंगे हम बंदे मैं सोच रही थी दो फंदे और बंद करेंगे फिर इसमें हमारे शोल्डर में फंदे कम हो जाएंगे ठीक है तो एक बार देख लेते हैं दो फंदे और बंद करेंगे यहाँ से मैं वाइट फंदा धागा लगा लेती हूँ दो फंदों का एक करेंगे और ये हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है कटिंग गले की कटिंग ठीक है आगे आपके समझ में तीन तीन दो दो और एक एक अभी हमारे शोल्डर में पंद्रह फंदे हैं अब देखते हैं हम थोड़ा सा इसको उल्टी रो बना करके अगर लगेगा कि एक फंदा और कर सकते हैं तो कर लेंगे नहीं तो कोई जरूरी नहीं है ठीक है तो बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं धागे को हम थोड़ा सा इधर ले लेंगे ठीक है ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है ठीक हो रहा है बच्चे के हिसाब से ये एक फंदे की और भी कटिंग कर लेते हैं फोर्टीन फंदे हो जाएंगे कोई नहीं एक फंदे की कटिंग और कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने अब कटिंग कितनी कर ली है तीन तीन दो दो एक, एक, एक और फिर ये लास्ट एक अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है ठीक है अब हमने शोल्डर में फोर्टीन फंदे रख लिए हैं अब हम बिल्कुल भी फंदे नहीं घटाएंगे 14 फंदों में हम पैटर्न बनाते हुए शोल्डर तक ले जाएंगे ठीक है बैक रो कंप्लीट कर लेती हूँ ये देखिए जो हमारे राउंड नेक की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है हमारी ठीक है ये फोर्टीन फंदे हमारे अब इन फोर्टीन फंदों को हम बनाएंगे कितना जितना हमारा बैक पार्ट है ठीक है देखिए डिज़ाइन देख लेते हैं एक दो और ये तीन चार बनेगा और एक और बनेगा पांच ठीक है तो अब हमने कोई कटिंग नहीं करनी कुछ भी नहीं करना इन्हीं चौदह फंदों को सीधे सीधे ऊपर बनाना है पैटर्न लेते हुए तो चलिए ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर दूसरी तरफ की कटिंग में बता दूंगी आपको तो देखिए यहाँ पे हमने पूरी होल से ऊपर बना लिया है पूरा और ये हमारा बैक पार्ट है तो ये अभी दूसरे पार्ट की कटिंग करनी है। बाकी है लेकिन मैं इसको जोड़ देती हूँ क्योंकि ये हमको नीडल भी खाली करनी है और ये इधर उधर भी फिरे रहते तो इसको जोड़ देते फिर उसको दूसरा बना लेंगे या हम दोनों बना करके जोड़ लेंगे या ऐसे जोड़ देंगे ठीक है जोड़ना तो है ही तो मैं इसको जोड़ देती हूँ देखिए जब जोड़ेंगे ना तब हमारा बैक पार्ट इस तरह से सीधा रहेगा और फ्रंट पार्ट इस तरह से हम उल्टा करेंगे और जो बटन पट्टी की साइड है वो बीच में रहेगी ऐसे किनारे पे नहीं रहेगी ठीक है तो इस तरह से हम क्या करेंगे दोनों के फंदे एक साइड को कर लेंगे और एक हम बैक पार्ट का और एक फ्रंट पार्ट का फंदा ले करके उनको दो फंदों का एक करते हुए बनाएंगे देखिए इस तरह से फोर्टीन फंदे हमारे पास इनको इसी तरह से हम बना लेंगे तो चलिए इनको बना लेते हैं ये देखिए फोर्टीन फंदे बैक साइड के और फोर्टीन फंदे फ्रंट साइड के हमने एक ही जगह ले करके सोल्डर बंद कर दिया है अब जो ये फंदे हमारे दो फंदों का एक करते हुए बचे हैं इनको बंद कर लेते हैं ठीक है दो फंदों का एक और ये फंदा इसी में लेकर के दो फंदों का एक फिर दो फंदों का एक इसी तरह से इनको सारे बंद कर लेते हैं देखिए लास्ट के दो फंदे बचे इनको दो फंदों का एक करेंगे और लास्ट फंदे को एक बार इस तरह से बुनेंगे और धागे को कट कर लेंगे और इस तरह से निकाल के धागा खींच लेंगे नोट लग गया तो हमारा एक साइड का हमने जोड़ दिया है ठीक है ये देखिए ये हमारा जुड़ गया है एक साइड का बन के अब चलिए दूसरी साइड में नेक की कटिंग कर लेते हैं ये देखिए इस तरह से आएगा ये, ये ओके तो चलिए दूसरे साइड का ले आते हूँ तो देखिए दूसरे साइड की भी कटिंग करेंगे यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग करके एक और दो डिजाइन दे दिया तीसरा डिजाइन हम बनाने वाले हैं सेम हमको बनाना है जैसे हमको हमने दूसरा वाला गला बनाया था वैसे ही बनाना है तो पहले इधर से वाइट कलर लगा लेते हैं यहाँ तक इसको बना लेते हैं, ठीक है देखिए यहाँ तक बनाएंगे ये वाला जो पैटर्न है बटन पट्टी का इसको नहीं बनाएंगे हम यहीं से वापस होके तीन फंदे की कटिंग कर लेंगे दो फंदे का एक दो फंदों का एक और दो फंदों का एक ठीक है तीन फंदे की कटिंग कर ली वापस चले जाएंगे यहीं से इनको नहीं बनाएंगे हम ये रो कंप्लीट करके फ्रंट रो वापस यहीं पे आते हैं ठीक है तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके फ्रंट रो भी कंप्लीट कर दे कर दे हमने वापस वहीं पे आ गए हम यहीं से बैक हो जाएंगे और तीन फंदों की कटिंग हमने कर ली है तीन फंदों की और करेंगे दो फंदों का एक दो फंदों का एक और दो फंदों का एक ठीक है तीन और तीन तीन की की कटिंग हो गई अब फिर दो दो की करेंगे फिर एक एक की करेंगे ठीक है तो चलिए बैक रो और फ्रंट रो दोनों ही कंप्लीट कर लेते हैं इस बार हमारा पैटर्न भी आएगा साथ में तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं और पैटर्न बनाते हुए फ्रंट रो भी कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए फ्रंट रो हमने कंप्लीट कर ली फिर से आगे बैक रो में यहाँ पे हमने तीन और तीन की कटिंग दे दी है अब हम करेंगे दो की कटिंग सिर्फ दो फंदे बन के करेंगे हम दो फंदों का एक और दो फंदों का एक ठीक है ये दो फंदों की कटिंग करने के बाद रो कंप्लीट कर लेते हैं पैटर्न देते हुए तो देखिए फ्रंट रो फिर से हमने कंप्लीट कर ली तीन तीन और दो तीन तीन दो की कटिंग हो गई बैक साइड में आ जाएंगे फिर से दो फंदों की कटिंग कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से दो फंदे ले लेंगे दो का एक फिर उस फंदे को इसी नीडल में ले करके दो फंदों का एक अब हमारी तीन तीन और दो दो की कटिंग हो गई है अब हमको एक एक, एक फंदे की कटिंग करनी तो चलिए बैक रो और फ्रंट रो दोनों रो बना करके वापस यहीं पे आते हैं तो देखिए फ्रंट रो हमने कंप्लीट कर लिया अब देखिए इसकी गोलाई आने लगी है तीन तीन दो दो की कटिंग कर ली अब हम एक एक और एक सिंगल सिंगल फंदे की कटिंग करेंगे तीन बार ठीक है तो पहले हम इसमें बैक साइड से दो फंदों का एक कर लेंगे और रो कंप्लीट कर लेंगे तो चलिए बैक रो और फ्रंट रो कंप्लीट करके वापस आते हैं यहीं पे तो देखिए बैक रो फ्रंट रो कंप्लीट करके फिर वापस आ गए हम बैक रो में यहाँ पे हम फिर से एक फंदे की कटिंग करेंगे तो दो फंदों का एक कर लेंगे अब यहाँ पे हमारे तीन तीन दो दो और एक एक की कटिंग हो गई है एक फंदा और कम करेंगे और इस साइड हमको शोल्डर के लिए फोर्टीन फंदे मिल जाएंगे ठीक है तो बैक रो और फ्रंट रो दोनों ही कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हम फिर से आ गए उसी जगह पे फिफ्टीन फंदे हैं एक फंदा और कम कर लेंगे हम यहाँ पे दो फंदे का एक कर लेते हैं ठीक है बस अब हमारे गले की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है अब जितने भी फंदे हमको शोल्डर में चाहिए उतने फंदे रह गए हैं तो उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे ऊपर को ठीक है तो ये रो कंप्लीट करके बता दिखा देती हूँ मैं आपको देखिए ठीक है यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है तो इसको हमने जैसे दूसरे वाले पार्ट में बनाया था अब हम यहां पे आ गए ठीक है इसको यहां तक एकदम सिंपल बनाना है चौदह फंदे हमको सिंपल बनानी है ना कट कटिंग करनी है ना कोई फंदा बढ़ाना है ना घटाना है ठीक है तो इस वाले और इस वाले पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं इसमें तो दोनों बराबर हो जाएंगे ये देखिए गले की कटिंग इसमें गोलाई आ चुकी है तीन तीन दो दो और एक एक, एक की कटिंग कर चुके हैं तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और इसका जोड़ना बता देती हूँ आपको तो देखिए एक पार्ट हमने जोड़ लिया था इस पार्ट को भी हम जोड़ लेते हैं ठीक है इधर से जुड़ेगा ये इसके फंदे में दूसरी निडल में ले लेती हूँ इस तरह से तो चलिए इसको बना लेते हैं तो देखिए इस साइड ले लिया हमने अब क्या करना है आपको बैक पार्ट ऐसे रखना है सीधा और फ्रंट पार्ट इस तरह से उल्टा रखेंगे जो बटन पट्टी है वो दोनों एक साइड में आ जाएगी ठीक है बीच में आ जाएगी और इधर से ये जो फंदे इनको जोड़ेंगे जोड़ने का तरीका देख लीजिए इस तरह से दो फंदे एक फंदा फ्रंट का एक फंदा बैक पार्ट का लेकर के दोनों को बना लेंगे और एक फंदा बना लेंगे ठीक है इसी तरह से हम फोर्टीन जो फंदे हैं हमारे उनको एक नीडल में ले लेते हैं ठीक है तो चलिए बना लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने फोर्टीन फंदे दो का एक करते हुए एक ही रो में दे दिए बैक, बैक साइड के भी और फ्रंट साइड के भी ठीक है यहीं से हम वापस आ जाएंगे ये देखिए अब क्या करेंगे इन फंदों को बंद कर लेंगे ठीक है अब हम एक फंदा और दो फंदा दो फंदा लेंगे दोनों को एक साथ बना के दो का एक कर लेंगे और इस वाले फंदे को इसी नीडल में लेके फिर से दो का एक करेंगे बार बार रिपीट पैटर्न इसको बनाते हुए रो कंप्लीट कर लेते हैं और फंदे सारे बंद कर लेते हैं तो देखिए लास्ट के दो फंदे रह गए दोनों को हम दो का एक करेंगे एक फंदा रह गया इसको नोट लगा लेंगे कैसे लगाएंगे इसको एक बार बना लेंगे उसके बाद धागा कट कर लेते और इस तरह से फंदे को निकालेंगे तो यहाँ पे एक नोट लग जाएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पे गला हमारा कटिंग कंप्लीट हो गई है अब इसमें फंदे उठा लेंगे तो ये इस साइड से उठाएंगे सीधे साइड से उठाएंगे तो फंदे कितने उठाने हैं इसमें बता देती हूँ आपको तो देखिए अब यहाँ पे हम गले के फंदे उठा लेंगे बैक साइड में हमारे जो बचे हुए हैं फंदे वो थर्टी फंदे हैं ठीक है हमको थर्टी ही चाहिए अगर आपके पास यहाँ पे थर्टी या थर्टी टू तक हैं तो आप ले सकते हैं अगर ट्वेंटी एट हैं तो आप इसमें एक दो बढ़ा लीजिए इसको थर्टी से थर्टी टू कर लीजिए ठीक है और यहाँ से यहाँ तक के जो फंदे हमारे वो फोर्टी होंगे तो यहाँ पर एट फंदे हमारे ऑलरेडी हैं ठीक है एट फंदे ये हैं तो थर्टी फंदे हमको यहाँ पर ले लेने हैं अभी थर्टी टू फंदे ले लेने हैं और एट फंदे हमारे आठ फंदे यहाँ पे हैं ठीक है तो चलिए फंदे उठा लेते हैं जब भी हम फंदे उठाते हैं थोड़ी सी पतली नहीं डल लेंगे जिससे कि फंदे उठाने में परेशानी ना हो और इस तरह से देखिए जहाँ से हमने फंदा घटाया है ये वाइट वाला नहीं लेंगे हम यहाँ पे ठीक है यहाँ से हम फंदे के अंदर नीडल ले लेंगे और यहाँ से एक लूप निकाल लेंगे इस तरह से देखिए ठीक है ये हमारा एक फंदा हो गया है अब दूसरा फंदा उठा लेते हैं इसी के बगल सेम डिस्टेंस चाहिए हमको ये देखिए आप यहाँ पे नोट लगा देंगे तो यहाँ पे टोटल हमारे दस फंदे उठ ले ठीक है अब हमको यहाँ पे तीस फंदे और उठाने यहाँ से लेके कर यहाँ तक हमको तीस फंदे चाहिए तो सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस में उठाएंगे एक दो फंदे कम या एक दो फंदे ज़्यादा हो जाएंगे कोई बात नहीं उनको कैसे एडजस्ट करते हैं वो मैं आपको इसके बैक रो में बता दूँगी ठीक है तो इस तरह से सेम डिस्टेंस में इसमें फंदे उठाएँगे गले के फंदे बहुत अच्छे तरीके से उठाने पड़ते हैं क्योंकि जो सफाई होती है हमारी गले में ही दिखती है नीटनेस जो होती है वो गले से ही हमको पता चलता है कि स्वेटर हमारी कैसी बनी है तो इसी तरह से हम फंदे सारे उठा लेते हैं ठीक है जैसे ये उठाए हमने यहाँ तक उठा लेते हैं अगर आपके थर्टी फंदे नहीं है, थर्टी फोर हो गए थर्टी फाइव हो गए या ट्वेंटी एट हो गए तो कोई बात नहीं आपको दोबारा नहीं कुछ करना है हम बैक रो बैक रो में इसको एडजस्ट करना बताएंगे ठीक है तो चलिए इन फंदों को उठा लेते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने फंदे ले लिए हैं ये बिल्कुल फोर्टी फंदे हुए ठीक है आपके अगर थोड़े से दो तीन फंदे कम या ज्यादा हैं, तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे वो बताऊंगी मैं आपको बैक रूम में अब आ गए हम बैक साइड के फंदे लेने हुए लेकिन इस निडल का सिरा जो है उस साइड है तो इसमें फिर से हम फंदे दूसरे निडल में भर लेते हैं इस तरह से तो देखिए फोर्टी फंदे हमारे ये हैं और थर्टी फंदे हमारे बैक साइड के हैं फोर्टी और थर्टी फंदे बना लेंगे फिर यहाँ से यहाँ तक हमको दूसरी साइड में फिर से फोर्टी फंदे चाहिए तो इनको बना लेते हैं अभी हम सिंपल तरह से बनाएंगे जैसे सिंपल रो बनती है इस तरह से ठीक है तो चलिए बना लेते हैं इनको तो देखिए जिस तरह से हमने इस साइड के फंदे उठाए थे उसी तरह से हम इस साइड के फंदे भी उठा लेते हैं अगर हमारे चालीस फंदे नहीं हुए कम या ज़्यादा हुए तो उनको एडजस्ट कर लेंगे हम बैक साइड में ठीक है तो यहाँ से सीधे जहाँ पे हमने जॉइन किया है यहाँ पे हम एक फंदा उठा लेंगे ऐसे इसके बाद उसी तरह से हम इसमें फंदे उठाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं इसको चलिए सारे फंदे उठा के बताती हूँ मैं आपको टोटल इसमें कितने फंदे हो गए ठीक है तो देखिए यहाँ पे हमने फंदे उठा लिए ले, लेकिन यहाँ पे हमारे छः फंदे कम हैं छः फंदे कम हैं तो क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे एक फंदा हम और उठाएंगे अब हमारे यहाँ पे पांच फंदे कम है ठीक है बॉर्डर का बना लेंगे हम जैसे बॉर्डर बनता है वैसे ही बना लेंगे तो बॉर्डर बना के आते हैं वापस यहीं पे। तो हमको पांच फंदे और बढ़ा लेने ग्यारह नंबर के नीडल से बनाएंगे हम ये बॉर्डर और एक उल्टे एक सीधे का ही बॉर्डर बनेगा गले का जो बॉर्डर है और इसमें एक बटन होल बनाना मत भूलिएगा बटन होल भी बनेगा तो मैं आपको एक रो बना करके दिखा देती हूँ देखिए यहां तक हमारा बटन पट्टी था यहां से अभी हम बैक रो उल्टा ही बनाएंगे ऐसे हमको पांच फंदे बढ़ा लेने क्योंकि पांच फंदे कम हमारे हो गए थे अगर आपके ज्यादा हो गए तो आप जैसे आपके पांच फंदे ज्यादा हो गए फोर्टी फाइव फंदे उठा दिए आपने तो आपको कहीं कहीं पे इस तरह से दो फंदों का एक कर लेना है ठीक है पांच जगह पर अब हम यहाँ पे पांच फंदे कैसे बढ़ाएंगे देखिए यहाँ से एक लूप ले लेंगे और इसको बना लेंगे तो अब हमारे सिर्फ चार फंदे कम हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह है, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हम लूप ले लेंगे इस तरह से और उसको बना लेंगे ठीक है बस अब हमारे तीन फंदे ही रह गए हैं बनाने बढ़ाने तीन फंदे और बढ़ा लेते हैं ये देखिए यहाँ पे थोड़ी जगह मिल गई हमको यहाँ पे एक लूप ले लेंगे देख लीजिएगा अच्छे से और जो लूप लेना है ना थ्री प्लाई उनमें तीनों ही धागे ले लेने हैं ऐसे ये यह यहाँ पे नहीं बनेगा यहाँ पे बनाएंगे ये देखिए इस तरह से लूप ले लेंगे और उसको बना अब हमने दो फंदे और लेने हैं दो फंदे और उठा लेने हैं यहाँ पे उठा लेंगे एक फंदा ओके बस अब हमारा एक फंदा रह गया है देखते हैं कितने फंदे रह गए कभी कभी कम या ज़्यादा भी हो जाते हैं गिन लेंगे इनको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये सत्रह सत्रह अठारह उन्नीस देखिए बीस का डबल चालीस होंगे तो यहाँ पे एक फंदा और कम हो रहा है जिसको हम यहाँ पे उठा लेंगे तो बस हमारे यहाँ पर चालीस फंदे हो गए ठीक है उस साइड हमारे बिल्कुल परफेक्ट फंदे थे चालीस ही फंदे थे इस साइड हमारे थोड़े से कम हो गए तो बैक रो में ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कम हो गए तो उठा सकते हैं फंदे बीच बीच में जहाँ पे गैप लग रहा है आपको और ज्यादा हो गए तो जहाँ पे आपको ज़्यादा फंदे घने दिख रहे हैं वहाँ पे दो का एक कर लीजिए ठीक है तो बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं और फ्रंट रो में से हम इसका बॉर्डर देना शुरू कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल एक फंदे उठा लिए ठीक है एक सौ दस फंदों को हम ग्यारह नंबर के नीडल में बना रहे हैं और इसका बॉर्डर जो है वो एक उल्टा एक सीधे का है ठीक है इस तरह से देखिए एक सीधा बनाएंगे फंदा फिर धागा आगे करेंगे एक उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे एक सीधा पूरा ही बना लेंगे और यहाँ पे अगर आपके दो फंदे साथ में जैसे हमने बटन पट्टी का बॉर्डर पहले से ही दिया है ये उल्टा फंदा है दो फंदे आपके अगर साथ में उल्टे आते हैं तो इनको कम कर दीजिए एक ही कर लीजिए इसको ठीक है दो का एक कर लीजिए एक फंदे से कोई फर्क नहीं पड़ता कम या ज्यादा करने में बढ़ाइए मत कम कर दीजिएगा ठीक है तो ये रो बना लेंगे हम ये रो नहीं अब हम पूरा इसको बॉर्डर बना लेते हैं और बॉर्डर को सुई से कैसे बंद करते हैं वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी ठीक है तो इसमें लगभग आपको दस से ग्यारह रो बना लेनी है तो चलिए इसको बना लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने गले का जो बॉर्डर होता है वो कंप्लीट कर लिया एक उल्टा एक सीधे का जो बॉर्डर था ये लगभग सवा इंच का बन गया है हमारा देखिए एक इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बन गया है तो इतना भी बना सकते हैं आप एक इंच भी बना सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा मत बनाइएगा ठीक है अब आगे हम बैक साइड में बैक साइड में हमको बैक साइड से हमको दो रो बनानी है दो रो कैसी बनानी है एक फंदा बनाएंगे एक फंदा हम नहीं बनाएंगे ठीक है एक फंदे को बुन लेंगे एक फंदा हम स्किप कर लेंगे तो कौन सा फंदा हमको बुनना है कौन सा स्किप करना है ये देख लीजिए उल्टी साइड में अगर हम बना रहे तो उल्टा फंदा बुनेंगे हम सीधा नहीं बुनेंगे और फिर सीधी साइड में हम सीधा फंदा बुनेंगे उल्टा नहीं बुनेंगे ठीक है जिस साइड में जो होगा जैसे उल्टी साइड में हम बना रहे हैं अभी तो ये उल्टा फंदा है इसको हम बना लेंगे लेकिन पहला फंदा है इसको ऐसे ही ले लेंगे और ये सीधा फंदा है हमारा फली वाला फंदा है तो इसको बिना बनाए लेंगे और धागे को आगे करेंगे और ये जो उल्टा फंदा है इसको बना लेंगे धागे को पीछे करना है लेकिन बनाना नहीं है हमको ऐसे ले लेना है सीधा वाला फिर धागा आगे करना है उल्टा फंदा बना लेना है धागा पीछे करना है सीधा फंदा ऐसे ले लेना है धागा आगे करना है उल्टा फंदा पूरी रो ऐसे ही बनेगी हमारी ठीक है उल्टा फंदा बना उसके बाद हमने धागा पीछे कर लिया सीधे फंदे को बिना बनाए हम ऐसे ले लेंगे धागा आगे करेंगे उल्टा फंदा हम बना लेंगे ठीक है फिर से धागे को पीछे करेंगे सीधा फंदा हम बिना बनाए ले लेंगे धागा आगे करेंगे उल्टा फंदा हम बना लेंगे तो चलिए ये रो इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरी रो में हमको यही बनाना है ठीक है क्योंकि इस गले को हम सुई वाला गला बना रहे हैं तो सुई से बंद करने में गले का की जो स्टेचबलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है ठीक है तो आप सीख लीजिएगा इसमें तो लग रहा है मुझे दिखेगा नहीं मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सुई से गला कैसे बंद करते है, ठीक है आप उसको देख लीजिएगा तो देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है फिर आगे हम सीधी साइड में अब सीधी साइड में हमको क्या करना है सीधा फंदा बनाना है उल्टा फंदा हमको स्किप करना है ठीक है तो ये पहला उल्टा फंदा है पहले वाले को तो हम स्किप ही करेंगे धागा पीछे करेंगे फिर दूसरा हमारा सीधा फंदा है इसको हम बना लेंगे ठीक है फिर धागा आगे करेंगे ये उल्टा फंदा है इसको हम बिना बनाए लेंगे और धागे को पीछे करके सीधा फंदा बना लेंगे फिर धागा आगे करेंगे उल्टा फंदा बिना बनाए लेंगे और धागे को पीछे करके सीधा फंदा बना लेंगे ये देखिए धागा आगे उल्टा फंदा बिना बनाए लेंगे धागा पीछे सीधा फंदा बना लेंगे इसी तरह से ये दूसरी रो भी हमको कंप्लीट करनी है इस रो को कंप्लीट करके आ जाते हैं हम बैक साइड में बैक साइड से हम सुई से बंद करना देखेंगे ये थोड़ा सा डार्क कलर है इसमें थोड़ा कम दिखेगा इसलिए अगर जिन लोगों की समझ में नहीं आएगा वो मुझे कमेंट कीजिएगा या तो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा उसमें मैंने दिया हुआ है सुई से गला कैसे बंद करते हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कैसे मिलेगा इसके लिए मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इसी वीडियो में लास्ट में छोटी सी वीडियो और ऐड की है मैंने इसमें जोड़ी हुई है कि आप मेरे दिस्क्र... चैनल पे कैसे जा पाएंगे या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे आपको मिलेगा दोनों चीज़ें मैंने बता दी है अगर आप चैनल पे जा पाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी चैनल पे जाएंगे आपको तो सारी जितनी भी मैंने स्वेटर बनाई है सारी वीडियो आपको सिक्वेंस से एक के बाद एक दिख जाएंगी ठीक है तो आप मेरे चैनल पर जाना सीख लीजिएगा उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो चलिए इस रो को बना लेते हैं उल्टी उल्टा फंदा हमको नहीं बनाना है सीधा फंदा हमको बनाना है बस हमको धागा आगे पीछे भी करना है जैसे धागा आगे किया उल्टा फंदा बिना बनाए ले लिया धागे पीछे किया सीधा फंदा बना लिया तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए दो रो बना ली जब भी हम सुई so, से बंद करेंगे गला तब हम ये दो रो जरूर बनाएंगे इसी की वजह से हमको पता चलता है कौन सा फंदा लेना है कौन सा नहीं लेना है ठीक है दो रो में क्या होता है एक ही फंदा हमारा बनता है जो उल्टी साइड से उल्टा होता है और सीधी साइड से सीधा होता है वो एक ही फंदा होता है उसी को बनाना होता है हमने और एक फंदे को हमने दो रो नहीं बनानी होती तो एक फंदा थोड़ा छोटा हो जाता है और एक फंदा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उन दोनों को जोड़ने में आसानी हो जाती है ठीक है तो अब हम यहाँ पे धागा कट कर लेंगे लेकिन धागा इतना बड़ा लेंगे हम कि हमारा दोबारा यहाँ पे धागा जोड़ने की वो ना आए जरूरत ना आए और एक रो कंप्लीट हो जाए इतना लंबा हमको धागा चाहिए कि हमारी एक रो कंप्लीट हो जाए ठीक है एक रो में हमारा जितना धागा लगता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे ये देखिए मैंने ये धागा लिया हुआ है ये देखिए इतना धागा मैंने ले लिया है और मैंने कट कर लिया है ठीक है तो देखिए सुई में ले लेंगे धागे को थोड़ा सा लंबा धागा रहता है तो थोड़ा परेशानी तो होती है इसमें लेकिन इसको आप आराम आराम से बनाइएगा ठीक है अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा आपको तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें मैंने दूसरे कलर से बनाया हुआ है ठीक है पहला फंदा हमारा उल्टा फंदा है तो मैं सुई सीधा करूंगी तो ये फंदा फंस जाएगा ये धागा फट जाता है ठीक है इसलिए उल्टा सुई में कर रही हूँ मैं यूज इस तरह से पहली पहली पहले फंदे में ले लेंगे ऐसे फिर उसके बाद दूसरे फंदे में ले लेंगे सीधे फंदे में ठीक है एक उल्टा और एक सीधा दोनों में हमने धागे को ले लिया ऐसे शुरुआत में हम ऐसे ही करेंगे देखिए इस तरह से धागा उलझता है क्योंकि लंबा धागा है ठीक है अब क्या करना है जो ये उल्टा फंदा है हमारा ये बैक साइड से सीधा है तो दोनों उल्टे को जो हमने फर्स्ट में उल्टा लिया था ना उस उल्टे का हम फर्स्ट में ले लेंगे ऐसा दोनों उल्टे फंदों को हम एक और ये इस उल्टे फंदे को दो दोनों को सुई में ले लेंगे और इस तरह से धागे को निकाल लेंगे और टाइट नहीं करेंगे इसको थोड़ा ढीला छोड़ेंगे ठीक है ये हो गया अब यहाँ पे हमारा सीधा फंदा दिख रहा है आपको ये वाला सीधा फंदा दिख रहा है और पहले हमने जो सीधे फंदे में लिया था उस फंदे को ले लेंगे उस फंदे का फर्स्ट सिरा ले लेंगे उसमें ले लेंगे और ये सीधे फंदे में ले लेंगे और इसको खींच लेंगे और बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना है धागा ये देखिए ठीक है ये हो गया अब उल्टा फंदा आ गया उल्टे फंदे को हम इस तरफ के उल्टे फंदे में लेंगे ऐसे। बस आपको जो ये उल्टा फंदा है ना इसका पहला सिरा ले लेना है ठीक है जो लूप है लास्ट वाला उसको ले लेना है जैसे ये है ये सीधा फंदा है यहां भी सीधा फंदा है इसका लूप फर्स्ट वाला ये है ठीक है इसको ले लेंगे इस नीडल में नीडल में लेने में आसानी होती है सुई में डालने के लिए ऐसे और ये जो हमारा पहले वाला था ये इस तरफ़ के दो सीधे जोड़ेंगे और उस तरफ के दो सीधे जोड़ेंगे जो उल्टी साइड में दो सीधे हैं वो जोड़ेंगे सीधी साइड में जो सीधे हैं वो जोड़ेंगे तो यहाँ भी वो सीधे का सबसे पहला वाला लूप ले लेंगे ऐसे उसमें दे देंगे और उल्टे वाले में दे देंगे तो इसमें आपके समझ में कम आएगा क्योंकि दिख नहीं रहा है मुझे कन्फ्यूजन हो जा रही है देखिए ये हमारा एक सीधा फंदा इसमें है एक सीधा फंदा हम यहाँ दे चुके हैं तो जो इस सीधे फंदे को दे रहे हैं तो इसका पहला लूप ऐसे ले लेंगे हम ठीक है और उसमें सुई ले लेंगे और दूसरे सीधे फंदे में ले लेंगे दोनों को जोड़ना है मतलब दो दो फंदे हमको जोड़ने हैं आगे के दो सीधे फंदे जोड़ने हैं बैक साइड के दो सीधे फंदे जोड़ने हैं देखिए बैक साइड में ये फंदा हमारा सीधा है और उस साइड से हमें उल्टा दिख रहा है ये ये फंदा सीधा है और ये जो फंदा हम ले चुके हैं ये फंदा सीधा है इस सीधे फंदे को इस सीधे फंदे के साथ जोड़ना है तो इस साइड से हमारा उस साइड सीधा है तो इस साइड से अपने आप उल्टा ही दिखेगा ये तो इस उल्टे फंदे को पहले वाले उल्टे फंदे के फर्स्ट लूप्स के साथ ऐसे ले लेना है और इसको जोड़ लेना है दोनों को एक साथ बना लेना है ठीक है ये जुड़ गया और ये फ्रंट के दो एक सीधा है एक पहले हम ले चुके हैं इसका लूप देखिए लास्ट वाला ये है इसको ले लेंगे इसमें सुई डालेंगे और इसमें सुई डालेंगे और धागे को हल्का सा खींच लेंगे ये देखिए ये हमारा बंद हो रहा है ठीक है तो इसी तरह से हम पूरी रो बनाएंगे पीछे के दो एक एक उल्टा हम जो ले चुके हैं उसको सुई में ले लेंगे और एक हम जो लेंगे उसको सुई में ले लेंगे दोनों को हम सुई में ले करके के इस तरह से बना लेंगे और फ्रंट में एक सीधा है जो एक सीधा हम ले लें ले लिया हमने उसका पहला लूप ले लेंगे ऐसे और इसको ले लेंगे तो इसी तरह से हमारा ये कंप्लीट करना है हमको और समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत से व्यूअर्स का बिगनर्स तो इसको बहुत मुश्किल से ही बना पाएंगे तो वो क्या करेंगे जो हमने दो रो बनाई ना बिना बनाए स्किप करते हुए वो रो नहीं बनाएंगे बस दो का एक दो का एक करते हुए उल्टी साइड से सारे फंदे बंद कर लेंगे और थोड़ा ढीला करेंगे उसमें थोड़ा सा झोल आ जाता है इस तरह से आप सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो चलिए इसको सारे फंदे बंद कर लेते हैं उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ये गला कैसे बना हुआ है ठीक है तो देखिए गला कंप्लीट हो चुका है ये देखिए बहुत ही सुंदर गला आता है सुई से बंद करने में फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी आती है देखिए ये देखिए बहुत ही सुंदर ये गला बना हुआ है जब सुई से हम बंद करते हैं ना तो ये स्टिचेबल हो जाता है इसीलिए मैं ज़्यादा से ज्यादा बोलती हूँ कि आप सीखिए एक बार दो बार तीन बार चार बार जब तक ना आए तब तक उसको बनाते रहिए और सीख जाएंगे ठीक है तो ये हमारा गला कंप्लीट हो चुका है और स्वेटर भी हमारी कंप्लीट हो गई है बाजू बना लेते ठीक है तो देखिए यहाँ पे हमने बाजू का बॉर्डर बना लिया है बॉर्डर की लंबाई बता देती हूँ मैं देखिए सवा दो इंच ठीक है इसको दो इंच भी करेंगे तब भी चलेगा क्योंकि बाजू का बॉर्डर थोड़ा छोटा ही होना चाहिए और इसमें फोटी फंदे हैं तो ये मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है आप थर्टी सिक्स फंदे ले लीजिए ठीक है थर्टी सिक्स फंदे लेंगे तो सही रहेगा ये इसमें फोर्टी फंदे कोई बात नहीं चार फंदे आप कम करेंगे तो कोई बात नहीं है ठीक है अब इसमें सीधे हम आठ फंदे बढ़ा लेंगे ठीक है अगर आप फोटी सिक्स फंदे दे रहे हैं तो आपको दस फंदे बढ़ा लेने ठीक है सीधे और अगर आपके यहाँ पे जैसे मैंने फोर्टी फंदे लिए हैं आपको भी फोर्टी ही लेने हैं तो आठ फंदे बढ़ा लेंगे ये बैक रो बना रहे हम बैक रो में हम आठ फंदे बढ़ा लेंगे इस तरह से जो बनाया हुआ लूप है उसको छोड़ देंगे उसके नीचे वाला लूप उठा करके इसको बना देंगे तो फंदा बढ़ जाएगा ठीक है इसी तरह से हम आठ जगह कर लेंगे ऐसा ही तो यहाँ पे फोर्टी एट फंदे हो जाएंगे ठीक है तो चलिए बढ़ा लेते हैं फंदे फटाफट और ये बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने फंदे बढ़ा लिए हैं फोर्टी एट फंदे हो गए हमारे यहाँ पे ठीक है फोर्टी एट फंदों में हम हाँ पैटर्न देंगे वाइट कलर का ऊन लगा लेंगे यहाँ से और पैटर्न की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार अगर आपने पैटर्न की वीडियो देख ली और उसको सीख लिया अच्छे से तो आपको कहीं पे भी कितने भी फंदों में आपको उसको बैठाना आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमने चार रो बना लिए वाइट कलर सी अब हम बनाएंगे इसमें पैटर्न तो इस तरह से भी गिन सकते देखिए यहाँ पर हमारे दो एक्स्ट्रा हैं फिर हम क्या करेंगे चार चार के मल्टीपल में फंदे गिन लेंगे चार चार के मल्टीपल में फंदे गिनने के बाद जितने भी हमारे एक्स्ट्रा होंगे वो हम फर्स्ट में और लास्ट में उनको लगा सकते हैं एक या दो फंदों को ठीक है तो इस तरह से आप ये देखिए यहाँ पे हमारे दो फंदे तीन फंदे एक्स्ट्रा हैं तो इनको हम एक्स्ट्रा में लगा लेंगे उनको हम ब्लू कलर का ही बना लेंगे ये देखें पहला फंदा और दूसरा फंदा यहाँ पे हमारे तीन फंदा एक्स्ट्रा हैं तो हमने क्या किया है पहला यहाँ पे एक फंदा हमने एक्स्ट्रा ले लिया दूसरा फंदा हमारा ब्लू कलर का ही होगा और यहाँ पे हम फिर पैटर्न देंगे तीन फंदों के बीच वाले फंदे में से सबसे नीचे होल में से हम एक लूप निकालेंगे और उसको इस तरह से तीनों फंदों के ऊपर दे देंगे फिर एक ब्लू कलर का बनाएंगे फिर तीन फंदों के बीच में से हमने लूप ले लेना है इस तरह से और सीधा कर लेना है सीधा करने के बाद तीनों फंदों को इस निडल में लेके इस लूप को इसके ऊपर से इस तरह से बना लेना है ठीक है तो हम इस रो को यहाँ तक बना लेते हैं देखिए यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा कितने आपको पता चलेगा एक लूप ले लिया हमने यहाँ पे और सीधा करके तीनों फंदों के ऊपर से ले लेंगे अब देखिए एक ब्लू बना लेंगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है और यहाँ पे हम एक ब्लू बना लेंगे और यहाँ पे दो एक्स्ट्रा हैं तो तीन एक्स्ट्रा मैंने इस तरह से एडजस्ट कर दिया पहला एक्स्ट्रा मैंने फ़र्स्ट में ले लिया है और दो एक्स्ट्रा मैंने लास्ट में ले ली तो ये बाजू है इसमें इतना वो नहीं है अगर ये फ्रंट या बैक पार्ट होता तो इसमें मैं एक फंदा कम कर लेती ठीक है तो ये बना लिया हमने लगभग आधा इंच इसको थोड़ा सा बना लेंगे ठीक है अभी हमको फंदे नहीं बढ़ाने इसमें अभी हमने यहाँ पे जो फंदे बढ़ाए थे आठ वही बढ़ाए हुए हैं और ये देखिए आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है इसको हम दो इंच बना लेते हैं अब ये देखिए दो पैटर्न दे दिए मैंने यहाँ पे और दो इंच कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे यहाँ पे हमने ब्लू कलर का जो चार रो हैं एक रो बन गई है यहाँ पे देखिए तो तीन रो और बनेगा यहाँ पे हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे पहला फंदा ऐसे ही ले लिया दूसरे फंदे को हम बना लेंगे इस तरह से और ये लूप छोड़ करके इसके नीचे वाला लूप उठा करके उस फंदे को हम बना लेंगे तो इस तरह से मैं फंदे बढ़ा लेती हूँ अगर आपको कोई और तरीके से फंदे बढ़ाने हो तो वैसे भी बढ़ा सकते हैं आप ठीक है और एक फंदा हम इधर बढ़ाएंगे। तो जब भी हम फंदे बढ़ाएंगे तो एक रो शुरू करने में ही बढ़ा लेंगे और एक रो खत्म होने पर बढ़ाएंगे एक ही साइड एक ही साइड बाजू है दोनों साइड बराबर बढ़ने चाहिए ठीक है तो क्या करेंगे हम एक वाइट में फंदा बढ़ाएंगे एक का मतलब है एक ही साइड एक उस साइड ये देखिए इसको भी हम लूप लेके ही बढ़ाए बनाएंगे फंदा ये एक फंदा बढ़ गया हमारा ये देखिए ठीक है तो ये ब्लू में मैंने दो फंदे बढ़ा लिए इसके बाद जब हम चार रो वाइट के बनाएंगे ना उसमें हम बैक रो में एक एक फंदा और बढ़ा लेंगे इसी तरह से मैंने व्हाइट में ब्लू में व्हाइट में ब्लू में दो दो फंदे बढ़ाते हुए कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे हमने बॉर्डर में फोर्टी फंदे लिए थे उसके बाद एट फंदे हमने सीधे बढ़ा लिए थे फोर्टी एट फंदे अब हम यहाँ पे दो दो फंदे हर कलर में बढ़ाते हुए लास्ट तक फोट सिक्सटी सिक्स फंदे कर लेंगे ठीक है तो चलिए बना लेते इसको तो देखिए एक बार जो हमने कंप्लीट कर ली है इसका मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको ये देखिए अगर इसको बॉर्डर से ऊपर लें तो ये आठ इंच हो रहा है और अगर इसको बॉर्डर के साथ लें तो ये सवा दस इंच हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे देखिए जो हमने डिजाइन दिए हुए हैं एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है छः डिजाइन देने के बाद सातवें में हमने दो रो वाइट के बनाने के बाद कटिंग शुरू कर दी थी कटिंग की है तीन बार हमने तीन 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 उसके बाद सारे फंदे बंद कर दिए ठीक है, है जब भी हम फंदे बंद करेंगे थोड़ा सा इसको ढीला रखेंगे तो चलिए इतनी ही बाजू आप बना लीजिए यहाँ पे मैं कटिंग करना बता देती हूँ आपको ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ ठीक है यहाँ पे भी एक दो तीन चार पाँच छः छः बन गए हैं सातवां जो ये लास्ट वाला है ये लास्ट वाला है लास्ट वाला जो पैटर्न है उस पर आए हुए हैं हम यहाँ पे दो लाइनें बनी है तो आपको जितनी भी लेंथ रखनी है अपने बाजू की रख सकते हैं अगर आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उस हिसाब से रख सकते हैं और देखिए इसकी लेंथ है सात इंच ठीक है तो यहाँ पे कटिंग करना शुरू करेंगे नॉर्मल सी कटिंग है ये देखिए दो रो बना दी हमने वाइट की ये तीसरी रो बना रहे हम दो फंदों का एक दो फंदों का एक और थोड़ा ढीला रखेंगे ठीक है दो फंदों का एक बैक पीछे कर लेंगे इसको अब यहां पर हमारा नीला धागा रह गया इसको भी ले आएंगे नहीं तो ये बाद में हमको लेना पड़ेगा इसको भी हम ऐसे वाइट कलर के धागे के ऊपर रख दिया हमने इस तरह से बना लेंगे तो ये इस तरह से धागा हमारा इधर आ जाएगा ठीक है तो तीन फंदों की कटिंग कर ली हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर का जो धागा है उसको ढीला रखेंगे तो इसको रो कंप्लीट कर लेते ठीक है कटिंग हमने शुरू कर दी है अब हमारी जब भी हम रो शुरू करेंगे वहीं पे कटिंग होगी तो यहाँ पे हमने रो शुरू की तो तीन फंदे कम कर लिए अब ये रो कंप्लीट करके वापस जब उल्टी साइड में आएंगे तब हम तीन फंदे इधर से भी बंद करेंगे ठीक है तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए रो कंप्लीट कर ली हमने ठीक है यहां से हमने तीन फंदे बंद किए और ये रो कम्प्लीट कर ली अब वापसी में हम क्या करेंगे तीन फंदे फिर से बंद करेंगे दो फंदों का एक कर लेंगे इस फंदे को इसी में ले करके फिर दो फंदों का एक कर लेंगे फिर दो फंदों का एक कर लेंगे यहाँ पे हमने तीन फंदे बंद कर लिए इस साइड भी हमारी गोलाई आ गई है इस रो को फिर से हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है तो देखिए ये रो भी कंप्लीट हो गई अब आ गए हम फ्रंट साइड में अब हमारा लास्ट पैटर्न है यहाँ से अगर आपको कट करना है तो इसको कट कर सकते हैं वाइट कलर के धागे को अब हम ब्लू से ही बनाएंगे इसमें ठीक है अब हम इसमें पैटर्न भी देंगे साथ में तीन फंदे बंद करेंगे देखिए दो का एक करेंगे एक फंदा दो फंदों का एक करेंगे दूसरा फंदा और दो फंदों का एक करेंगे तीसरा फंदा तीन और तीन दो फंदों की दो बार हमारी कटिंग हो गई है अब यहाँ पे हम पैटर्न के ऊपर ही पैटर्न देंगे ये वाला फंदा हमारा पैटर्न का है तो इसी के ऊपर हम पैटर्न देंगे इस तरह से ठीक है ये हो गया तो ये पैटर्न देते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है पैटर्न दे करके अब आ गए हम बैक रो में इसमें भी हम तीन फंदे बंद करेंगे दो फंदों का एक और फिर से दो फंदों का एक और फिर से दो फंदों का एक अब दो बार हमारी तीन तीन की कटिंग हो गई दोनों साइड से अब इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है तो देखिए वो बैक रो भी कंप्लीट कर ली दो बार हमने तीन 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 का कटिंग यहाँ कर ली दो बार यहाँ कर ली एक एक बार और कर लेंगे आप चाहें तो इसको चार बार भी कटिंग कर सकते हैं ठीक है दो का एक करेंगे एक बार एक फंदा, दो का एक फिर से एक फंदा, दो का एक अब हमारी यहाँ एक साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है अब इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है तो देखिए फिर से आ गए हम रो कंप्लीट करके कर बैक रो में एक साइड में हमने कंप्लीट कर लिया है तीन 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 और एक साइड में तीन और तीन दो ही बार कटिंग की है एक बार और कर लेंगे और रो कंप्लीट कर लेंगे ठीक है दो फंदों का एक दो फंदों का एक और दो फंदों का एक अब हमारे दोनों साइड की गोलाई आ गई है ये रो कंप्लीट कर लेंगे और फ्रंट रो में से हम सारे फंदे एक साथ बंद कर लेंगे ठीक है तो चलिए इस रो को बैक रो को कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट रो है ये तो देखिए दोनों साइड हमने तीन तीन फंदों की कटिंग कर ली है अब हम इस साइड से सारे फंदे बंद कर लेंगे ठीक है थोड़ा हाथ ढीला रखेंगे मतलब जब हम फंदा बनाएंगे तो धागे को टाइट नहीं करेंगे खींचेंगे नहीं ठीक है इस तरह से दो फंदों का एक करेंगे और उस फंदे को उसी नीडल में लेकर के फिर से दो फंदों का एक करेंगे तो इसी तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं फटाफट देखिए लास्ट के दो फंदे बच गए हमारे यहाँ पे दोनों को दो फंदों का एक करेंगे और इसको बना लेंगे और कट कर लेंगे ये हमारा नोट लग गया तो यहाँ पे हमने बाजू की गोलाई देखी सारे फंदे कटिंग बंद कर लिए इसमें आप चार 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 फंदों की भी कटिंग कर सकते हैं चार बार भी कटिंग कर सकते हैं ठीक है तीन 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 और तीन इस तरह से और तीन बार भी कर सकते हैं और पांच बार भी कर सकते अपने अपने हिसाब से कर लीजिए अगर बाजू आपको छोटा लग रहा है तो आप एक दो बार कटिंग और कर सकते हैं ये देखिए बाजू की जो लंबाई है काफ़ी बढ़ जाती है गोलाई देने के बाद अभी हम इसको बनाते तो ये सीधा सीधा इतना होता लेकिन ये इस तरह से गोल आ गया ठीक है तो यहाँ पे हमने दोनों बाजू ही बना लिए हैं ठीक है ये देखिए दोनों बाजू हमारे बन के तैयार हैं तो देखिए यहाँ पे हमने बाजू भी तैयार कर दिए हैं और स्वेटर भी तो इसको हाफ भी बना सकते हैं हाफ जैकेट भी बना सकते हैं आप आर्म होल में फंदे जैसे इसमें उठाए हैं इसी तरह से फंदे उठा लीजिए और हाफ स्वेटर भी इसकी बन सकती है ठीक है लेकिन ये हमने फुल बनाई है इसमें बाजू जोड़ लेते हैं तो चलिए इस तैयार कर लेते हैं फाइनल लुक इस स्वेटर का कैसा आ रहा है वो दिखा देती हूँ तो ये रहा हमारी स्वेटर का फाइनल लुक हमने सिल भी दिया है इसमें बटन भी लगा दिए हैं तो कैसी लग रही है आपको ये स्वेटर जरूर बताइएगा अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी आपकी हेल्प हो पाई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कहीं पे कोई कमी है या आपको पसंद आई या नहीं आई या कोई आपकी हेल्प हो पाई है तो आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है ठीक है तो कैसी लगी आपको स्वेटर जरूर बताइएगा तो चलिए आज हमारी स्वेटर कंप्लीट हो गई है इसके बाद पार्ट फोर हम बनाएंगे इसकी फुल डिटेल में ठीक है तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे मिलेंगे आपको इसके पार्ट फोर के साथ तब तक के लिए बाय बाय तो ये छोटी सी क्लिप उन लोगों के लिए है जिनके कमेंट आते हैं कि मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिल रहा है या जिनको एक स्वेटर के पार्ट वन पार्ट टू मिल जाते पार्ट थ्री नहीं मिलते पार्ट फोर नहीं मिलते तो उनको क्या करना है देखिए सबसे पहले हम यूट्यूब पे जाएंगे ये हमारा यूट्यूब है इसमें जाएंगे यूट्यूब ओपन कर लिया हमने और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका चैनल यहाँ पे इस को हम टच करेंगे तो वहां पे आ जाएगा अभी मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे इस तरह का जो एक यहाँ पे लोगो होता है ये बीच में इसको टच करेंगे तो नीटिंग विद धानी लिखेंगे ये मेरा चैनल का नाम है इसको लिखेंगे आप इसको टच करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो चैनल है उसका लोगो आ गया है नीटिंग विद धानी का और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ गया है सब्सक्राइब को टच करेंगे तो ये सब्सक्राइब देखिए और बेल आइकन भी आया है अभी बेल आइकन ऑल में प्रेस नहीं हुआ है तो इसको जो यहाँ पे एरो लग रहा है दिख रहा है एरो में टच करेंगे तो इस तरह का कोई पेज आ जाएगा इसमें क्या करना है आपको सबसे ऊपर जो बेल आइकन दिख रहा है ऑल में आपको टच कर लेना है ठीक है इससे क्या होगा कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा ठीक है अब आपके मोबाइल में मेरे चैनल को ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्या करना है यूट्यूब खोलना है यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर का वहाँ पे टच करना है ऊपर आपको जितने भी आपने सब्सक्राइब किए हैं वो लोगों आपको दिख जाएंगे आपको जो भी चैनल पे जाना है उसके लोगों को टच करना है और यहाँ पे सारी वीडियोस आ जाएंगी ठीक है तो यहाँ पे हम फर्स्ट फर्स्ट वीडियो के लोगों को टच करेंगे तो ये हमारा पूरा पेज आ चुका है इसमें देखिए वीडियोज आ गई हैं शॉर्ट आ गए हैं जो भी वीडियोज हैं ये टोटल वीडियोज आपको इसमें मिल जाएंगी ठीक है शॉर्ट्स जो भी हमने बनाए हुए हैं ये आपको मिल जाएंगे ठीक है ये हो गया यहाँ पे ए, कम्युनिटी भी है जहाँ पे ए, इस तरह से हम देते हैं ऐड ठीक है तो आपको क्या करना है वीडियो सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है जिनको जैसे स्वेटर बनानी है बहुत सारे पार्ट हमने बनाए हैं स्वेटर के और उनको स्वेटर के पार्ट नहीं मिल रहे जैसे कि ये देखिए ये स्वेटर हमारे बेबी बॉय के लिए बनाया है इसमें एक दो तीन चार पाँच छः छः पार्ट हमने बना रखे हैं तो अब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है आपको देखना क्या है आपने एक देख लिया ठीक है आपको एक मेरी वीडियो मिल गई तो उसमें क्या करना है आपको देखिए मेरी वीडियो मिल गई लेकिन इसका पार्ट टू पार्ट थ्री आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहां पे होता है देखिए ये मोर को टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे भी मोर लिखा हुआ है इसको भी टच करेंगे तो लिंक सारे देखे कितने सारे एक दो तीन चार पांच पांच इस स्वेटर में हमने पांच वीडियो बनाई है तो पांच लिंक आपको मिल जाएंगे लिंक टच करेंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी ठीक है तो ये तो रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिनके भी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए और अब क्या करना है जैसे कि ये वाली स्वेटर के लिए काफ़ी कमेंट आते हैं कि ये इसका पार्ट वन नहीं मिल रहा पार्ट थ्री नहीं मिल रहा है तो देखिए इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ओपन करेंगे तो आपको लगातार एक के बाद सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल जाएंगी देखिए पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइव पार्ट सिक्स छः पार्ट बने हुए हैं छ के छ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ठीक है तो आ, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है जैसे कि हमने ये ऑरेंज कलर की जो स्वेटर बनाई थी इसका देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फोर, और सिक्स छः के छः पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सिक्वेंस से लगी हुई है देखिए कोई भी स्वेटर आप बनाएंगे तो उसके आपको सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे ये देखिए इसमें भी कई क, कई सारे कॉमेंट आए कि पार्ट टू नहीं मिल रहा है पार्ट वन नहीं मिल रहा है तो ये साथ में आपको मिल जाएंगे इस तरह से आप अगर चैनल पे जाएंगे और चैनल को खोलेंगे तो ठीक है तो चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा इस तरह से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा